मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि उनके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मैंने ऑलरेडी इस पर अपना एक लेक्चर ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करा रखा है और मैंने UPMSP पे से उस पेज को निकाल कर आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ था। कुछ जिलों को उसमें देखिए मेंशन नहीं भी किया हुआ है, कुछ चीजें मेंशन, कुछ चीजें जिले छूट भी गए हैं। तो देखिए पहली बात तो वो आपका UPMSP पर पूरा का पूरा दिया गया इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वहां से ही मैक्सिमम चीजें मिल गई दी गई हैं। और ये देखिए ये भी जो बताया जा रहा है वो भी आप लोगों को पूरा पूरा एनालिसिस करके बताया जा रहा है, तो वो डिस्टेंस याद रखिएगा, वहां से वो भी पूरा देख लीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को देखते हैं तो फिर कहते हैं अरे भैया हमारे जिले का तो नहीं बताया गया, लेकिन यदि आप वीडियो को पूरा देखें स्किप ना करते हुए तो निश्चित तौर पर आपके जिले का बात उसमें जरूर किया गया होगा। तो चेयर डिस्टेंस उस वीडियो के साथ साथ यदि उसमें आपको क्लियरिफाई नहीं हुआ है तो आपके उस क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आप लोग को ये दूसरी बार बताने जा रहा हूँ कि किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। तो कक्षा 12 के बेबी विद्यार्थी जो कि हिंदी के हैं, सामान्य हिंदी के हैं, तो उनमें साहित्यिक हिंदी के हैं, तो उनके लिए कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए पूछा जाएगा, तो इस पर मैं पूरा का पूरा ये डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चाहे जिस भी जिले के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के अगर वो विद्यार्थी हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देख लीजिए और अपने जिले का नाम नोट कर लीजिए और उस खंड काव्य को नोट कर लीजिए। और 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका 5 से 7 नंबर जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसे हम लोग स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखिएगा। चलिए जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए तो पहले आप लोग का जो खंड काव्य है वो है श्रवण कुमार। अब देखिए बात जो हो रही है श्रवण कुमार की, तो श्रवण कुमार नाम का जो ये खंड काव्य है वो किस किस जिले में है ये देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरठ हो गया, बागपत जिला हो गया, आजमगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, रायबरेली हो गया, बांदा हो गया, हरदोई हो गया, बहराइच हो गया, हमीरपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मऊ की बात हो गई, सिद्धार्थ नगर की बात हो गई, ठीक है। याद रखिएगा मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थ नगर, तो इन जगहों पर जो है वो श्रवण कुमार खंड काव्य का आएगा आप लोगों का, ठीक है। ये बिल्कुल भी किसी भी विद्यार्थी में इस जिले के जो बच्चे हो उनको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इस खंड काव्य में जिन बच्चों का जिला नहीं मिला उनके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना बताने के बाद डिस्टेंस बहुत रेयर में ही एक आध दो जिले इधर उधर के जो होंगे वो बचे रहेंगे, छुटे रहेंगे, तो उनका भी एनालिसिस चल रहा है, तो उनका भी मैं पता करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो है उसका भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थियों का जो है वो यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है डिस्टेंस, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और इसके अलावा डिस्टेंस अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन चीजें हैं जो अगर जानना चाहते तो ये अच्छी चीजें हैं। चलिए त्यागपति दूसरा खंड काव्य मिला आप लोग को, त्यागपति। अब त्यागपति जो है वो कौन कौन से जिले में है, यानी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में त्यागपति नाम का जो खंड काव्य है वो आएगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग जिलों को। आगरा हो गया, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, देखिए ये चीज हटाई दीजिएगा यहाँ पर कामा नहीं है, ये लखीमपुर खीरी ये जिला है। गोंडा की बात हो गई, शाहजहांपुर की बात हो गई, फिरोजाबाद, महाराजगंज, बाराबंकी जनपदों के लिए जो है त्यागपति पूछा जाएगा। कौन पूछा जाएगा? त्यागपति नाम का जो पति नाम का जो खंड काव्य है वो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो इसके साथ मार्क रख लीजिए इसको, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं रश्मि रथी को। रश्मि रथी नाम का देखिए जो खंड काव्य है वो कहाँ कहाँ पर ये पूछा जा रहा है, रश्मि रथी नाम का खंड काव्य, ठीक है, जो करोड़ के मुख्य भूमिका में यहाँ बैठी है ना। मुजफ्फरनगर कहाँ पर पूछा जा रहा है, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बुलंदशहर में, मथुरा में, वाराणसी में, चंदौली में, फतेहपुर में, उन्नाव जिले में, देवरिया में आदि, तो ये एक आध जिले इसमें छूट रहे हैं रश्मि रथी में, तो एक आध जिले बहुत रेयर में छूटेंगे जो, तो मैं उसको अभी बता दूंगा आप लोग को बाद में। तो ये जिले जो है वो वहां पर रश्मि रथी नाम का खंड काव्य आएगा, ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा। ये फिक्स एडियस, ये आप लोग लापरवाही कर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते नहीं है, देखते नहीं कि आपके जिले में कौन सा आएगा और आप लोग लिख कर चले जाते हैं उल्टा का पुल्टा, ठीक है, जिससे आपका नुकसान भी हो जाता है और अच्छे खासा मिलने वाला नंबर आप लोग को नहीं मिल पाता है। आलोक वृत्त, आलोक वृत्त नाम का जो देखिए खंड काव्य है वो किस जिले में आता है,
इसके बारे में चलिए हम लोग अब आपसे बातें करने चल रहे हैं। तो आलोक वृत्त पर देखिए, अगर बातें किया जाए तो देखिए सहारनपुर की बात हो गई, अलीगढ़, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। फिर से ध्यान दीजिए, आलोक वृत्त जो है सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में जो है वो आलोक वृत्त नाम का जो खंड काव्य है वो आप लोगों का पूछा जाएगा। ठीक है, नौ सीधे देखिए, जनपद के जो विद्यार्थी अपने जनपद में निर्धारित खंड काव्य के संबंध में अपने विषय अध्यापक से जानकारी प्राप्त कर भी सकते हैं आप। मैंने पहले बताया कि विषय अध्यापक जो है उनसे आप पूछेंगे तो आपको आपके जिले का पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं तो यहाँ डिस्कस कर ही रहा हूँ आप लोग के साथ। ठीक है सर, चलिए मुक्ति यज्ञ की बात हो गई। मुक्ति यज्ञ की जब बात करते हैं हम लोग तो देखिए मुक्ति यज्ञ जो है वो कहाँ कहाँ पर पूछा जा रहा है खंड काव्य। ठीक है, तो मुक्ति यज्ञ नाम का जो खंड काव्य है वो कहाँ कहाँ पर आपका पूछा जा रहा है। देखिए मुरादाबाद, संभल जिले में, ज्योतिबा फुले नगर, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, अयोध्या, अयोध्या की बात हो गई, अम्बेडकर नगर, एटा, ललितपुर, एक जिले मान लीजिए इसमें भी आगे पीछे होंगे। मुक्ति यज्ञ नाम का खंड काव्य जो होगा वो इतने जिलों में पूछा जाएगा। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर अब सत्य की जीत जो खंड काव्य है, यहाँ पर आप लोगों का सत्य की जीत, सत्य की जीत नाम का जो खंड काव्य है वो किन किन जिलों में पूछा जाएगा। देखिए सर, बिजनौर की बात हो गई, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बदायूं की बात हो गई, बलिया की बात हो गई, प्रतापगढ़। एक मान लीजिए यहाँ पर भी छूट रहे हैं, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया, प्रतापगढ़, यहाँ पर जो है सत्य की जीत नाम का खंड काव्य पूछा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने जिले को नोट कर लीजिएगा और संबंधित जो खंड काव्य बताया गया उसको नोट कर लीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जिसके अंदर भी डाउट हो उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। और एक भाग मैंने और भी बनाया था यूपीएमएससी पर से आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के कि कौन सा खंड काव्य जो है किस जिले का है। तो कोई भी जो वीडियो मिलता है सुन, देखिए 7 से 8 मिनट में मैंने ये चीजें बताई हैं। आप शुरुआती 1-2 मिनट का वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मेरा जिला तो बताया ही नहीं गया। तो जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन जब लेंगे तब आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है सुन, सही तरीके से। ठीक है सुन, और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगा। 950-690-285-7 नाम के नंबर पर कर दीजिए छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज ताकि मैं जो ये पीडीएफ है मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूं, जिससे आप लोगों का जो कंफ्यूजन है ये कि मेरे जिले का कौन सा खंड काव्य है ये आप लोग कंफ्यूजन दूर हो जाए। और ऑडियंस याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खंड काव्य, बहुत ईजी होता है, 2 से 5 नंबर आप लोग को एकदम फ्री में देखा जाता है ये, थोड़ा सा भी आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और आप लोग को सही जानकारी भी जरूरी है कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य जरूरी है। ये कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है, आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए चैनल से जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो इसे जाकर ड्यूशन कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ड्यूशन, क्योंकि याद रखिएगा खुद भी लाभ उठाना है और दूसरों को भी लाभान्वित करना है इस चैनल से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।